और अब खबर रामपुर से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गए। जेल से आए कुछ कैदियों को आइसोलेट किया गया था। गाड़ी में कैदियों को बैठाते वक्त एक कैदी फरार हो गया। फरार कैदी सलीम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये आपको खबर रामपुर से बता रहे हैं, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गया। दरअसल उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था, इसी दौरान कैदी सलीम मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई और अब उस कैदी को ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द फरार कैदी सलीम को एक बार फिर से पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सके। आपको बता दें कि जेल से आए कुछ कैदियों को जौहर यूनिवर्सिटी में आइसोलेट किया गया था और वहीं पर ये बड़ी घटना हुई है। जब एक कैदी को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो वो मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन अब तलाशी अभियान चला लिया है और पुलिस तलाश कर रही है फरार कैदी सलीम की। और अब खबर रामपुर से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गए। जेल से आए कुछ कैदियों को आइसोलेट किया गया था। गाड़ी में कैदियों को बैठाते वक्त एक कैदी फरार हो गया। फरार कैदी सलीम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये आपको खबर रामपुर से बता रहे हैं, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गया। दरअसल उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था, इसी दौरान कैदी सलीम मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई और अब उस कैदी को ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द फरार कैदी सलीम को एक बार फिर से पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सके। आपको बता दें कि जेल से आए कुछ कैदियों को जौहर यूनिवर्सिटी में आइसोलेट किया गया था और वहीं पर ये बड़ी घटना हुई है। जब एक कैदी को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो वो मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन अब तलाशी अभियान चला लिया है और पुलिस तलाश कर रही है फरार कैदी सलीम की। और अब खबर रामपुर से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गए। जेल से आए कुछ कैदियों को आइसोलेट किया गया था। गाड़ी में कैदियों को बैठाते वक्त एक कैदी फरार हो गया। फरार कैदी सलीम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये आपको खबर रामपुर से बता रहे हैं, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार हो गया। दरअसल उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था, इसी दौरान कैदी सलीम मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई और अब उस कैदी को ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द फरार कैदी सलीम को एक बार फिर से पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सके। आपको बता दें कि जेल से आए कुछ कैदियों को जौहर यूनिवर्सिटी में आइसोलेट किया गया था और वहीं पर ये बड़ी घटना हुई है। जब एक कैदी को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो वो मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन अब तलाशी अभियान चला लिया है और पुलिस तलाश कर रही है फरार कैदी सलीम की।